क्या आपका बच्चा कम खाता है, क्या उसका वेट नहीं बढ़ रहा, कि आप सोच रहे हो कि उसको क्या खिलाया जाए। अगर यही सारे क्वेश्चंस आप भी फेस कर रहे होंगे तो डू नॉट वरी, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। हाय, दिस इज योर फ्रेंड स्नेहल एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑन पेरेंटिंग अबाउट फूडिंग इन लव यू जिंदगी। जो भी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से खाते हैं, मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप ब्लेस्ड हो, आपको एक वरदान मिला है। और जिनको ये वरदान प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए मैं हूं ना, तो चलो साथ में काम करते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि हर एक बच्चा अलग होता है, तो डेफिनेटली उनकी फूडिंग हैबिट, फूडिंग क्वांटिटी एंड टेस्ट डिफरेंट होगी। बिल्कुल हम बड़ों जैसा, क्या आपके सिस्टर या ब्रदर्स और आपका खाना पीना सेम है? नहीं ना। दिस होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ बेबीज ऑल्सो। से अगर दो सेम एज के बच्चे हैं, एक आपके फ्रेंड का और एक आपका, और वो एक रोटी खाता है और आपका आधी रोटी खाता है, तो यू डोंट हैव टू वरी। ये सेम क्वेश्चन हमने तनिष के पेडियाट्रिशियन से पूछा, जिन्होंने तनिष को डे वन से देखा है, और ही सजेस्टेड फोकस ऑन वेट एंड एक्टिविटीज, नॉट ऑन फूडिंग क्वांटिटी। बेबीज के एज के अकॉर्डिंग उनकी एक वेट रेंज होती है। सो कंसिडर करें, बच्चे का वेट लोअर साइड, यानी वो रेंज के लोअर साइड भी है एंड बच्चा एक्टिव है, तो वी शैल नॉट वरी। बट अगर बच्चा एक्टिव नहीं है एंड उसका वेट भी कम है, तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर। में से कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे ने ज्यादा खाया तो वो जल्दी वेट गेन करेंगे, विच इज नॉट 100% ट्रू। मम्मी दादी एक बड़ी कटोरे में खाना लाती है और उनको तभी चैन पड़ता है जब वो पूरा खाना बच्चा खा ना ले। फूड क्वांटिटी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन या मेजरमेंट नहीं है। आप एक शेड्यूल बना ले और थोड़ी थोड़ी देर बाद इंटरवल्स में बच्चे को चाहिए उतना ही खाना दे। देखिए, हमें बच्चों को फोर्स नहीं करना है कि जितना मैंने लाया उतना आपको खाना ही है। वी हैव टू गिव देम स्पेस सो दैट दे कैन एंजॉय देयर फूड। जैसे हम बड़ों का एक डेली रूटीन होता है, जैसे उठते ही हम चाय लेते हैं, फिर स्नैक्स, देन लंच, देन अगेन इवनिंग में स्नैक्स एंड फाइनली डिनर, वैसे ही हमें धीरे धीरे बच्चों के फूडिंग रूटीन पे काम करना है, उनका एक रूटीन बनाना है। तो इसके लिए जब भी आप खाना खाते हो तो मेक श्योर कीजिए कि बच्चा भी आपके साथ बैठे। बच्चों में समझ से ज्यादा रिलेटिंग पावर होती है। हमारी केस कंसीडर करें तो तनिष 21 मंथ्स का है, बट वो हमारी सारी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करता है, जैसे हम कब खाते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। तो पॉइंट हियर वी वांट टू कन्वे इज कि डिसाइड योर फीडिंग प्लेस। अगर टेबल चेयर है तो अच्छा है, अगर नीचे बैठ के आप खाना खा रहे हो तो बेस्ट है, बट जहां तक पॉसिबल हो बच्चे को साथ लेके खाए। रिगार्डिंग टाइम वेन टू स्टार्ट सॉलिड्स टू इन्फेंट्स, एज पर WHO गाइडलाइंस, WHO कहती है कि फर्स्ट 6 मंथ्स मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आफ्टर 6 मंथ्स कॉम्प्लीमेंट्री फूड सॉलिड्स कैन बी स्टार्टेड अलॉन्ग विथ मदर्स मिल्क। ये तो थी हमारी स्टडी, पर ये सेम चीज हमने तनिष के पेडियाट्रिशियन डॉक्टर कुलदीप आखरे से भी कंसल्ट की एंड वी स्ट्रिक्टली फॉलोड हिज डाइट प्लान एंड इट रियली हेल्प्ड अस। डॉक्टर कुलदीप, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर तनिष। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के एक वीडियो क्रिएट किया है जो एक्सप्लेन करता है इन्फेंट डाइट चार्ट। आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी ना मैं 99% काम करने वाला नुस्खा बताने जा रही हूँ। बच्चों की ना एक मेन क्वालिटी होती है विच इज क्यूरियोसिटी, तो उनको कलरफुल चीजें, डिफरेंट इक्विपमेंट्स या डिफरेंट शेप्स बहुत पसंद आते हैं। तो हमें इसी चीजों को यूज करके जो फूड वो खाते हैं उसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। ट्राई टू हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेट्स एंड ग्लासेस की यू नो हम डिफरेंट इंटरवल के बाद वो रिपीट करते रहें और बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती रहे। आप सूप पिलाने के लिए नॉर्मल स्पून के अलावा सूप स्पून का यूज कर सकते हैं, बच्चे इसे भी बहुत इंजॉय करते हैं। अगर बच्चा कोकोनट वाटर या फिर दही या लस्सी या बटर मिल्क नहीं पी रहा हो तो आप ना ऐसे स्ट्रॉ का आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत काम की चीज है। वी
नीड टू ट्राई कि फूड कैसे कलरफुल बन पाए सो दैट वो बच्चे को अट्रैक्ट कर सके. ऑल्सो वी कैन ट्राई कि हम एक सिंपल अगर रोटी ली जाए तो उसे हम कैसे यू नो अगर शेप चेंज किया, अगर मैंने ट्राइंगल दे दिया तो बच्चे को लगता है कि कुछ मैं नया खा रहा हूँ तो वो उसे भी खा लेते हैं. तो ऐसे ही यू नो आपकी क्रिएटिविटी यूज करके आप डिफरेंट शेप्स में चीजें बना के बच्चे को खिला सकते हैं. एक ना खुद की ही ट्रिक बताना चाहूंगी. हम ना तनिष्क को जब भी कोई फूड देते हैं अगर वो सिंपल दाल चावल भी हो तो उसे हम बहुत डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि गरम गरम राइस, उस पे पतला पतला दाल का पानी एंड देन घी एंड देन थोड़ा नमक. वाह, जब हम ऐसा करते हैं तो उसे लगता है कि यार मैं यह क्या खा रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इंटरेस्ट बढ़ जाता है. तनिष्क याला के लिए मैं छान छान सॉस लावला है. कौन खाते कौन खाते कौन खाते? दादा कसा खाते? कसा खायचं जाऊन जाऊन? काकू मला जाऊन जाऊन कसं खायचं? गुड बॉय. बहुत से पेरेंट्स मुझसे एग्री करेंगे कि बच्चे कुछ दिन अच्छा खाते हैं और ऑटोमेटिकली उनका इनटेक कुछ दिन बाद कम हो जाता है. तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनका टीथिंग पीरियड, देन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर गैसेस, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, या फिर लेस फिजिकल एक्टिविटीज, यानी जो खाना उन्होंने खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए. एग्जाम्पल कि उन्होंने लंच किया और वो सो गए, जब वो उठते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ खा ले. तो डेफिनेटली वो कैसे खा सकते हैं जब वो फूड जो उन्होंने इंटेक किया था वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि तनिष्क को बहुत भूख लग जाती है बट वो खाता नहीं है, चिड़चिड़ करता है. रीजन होता है कि जो उसके सामने हमने दिया है वो उसे पसंद नहीं है और टमी पहले से खाली होने के कारण चिड़चिड़ और बढ़ जाती है. तो हम क्या करते हैं, हमने एक लिस्ट बनाई है तनिष्क के फेवरेट आइटम्स की. ऐसे टाइम पे उस लिस्ट में से उसकी जो फेवरेट चीज है हम उसे देते हैं सो दैट उसकी भूख शांत हो जाए और जो फूड हमने प्रिपेयर किया है उसके लिए वो हम फीड कर पाए. हमने बचपन में एक फ्रेज सुनी होगी कि हैव पेशेंस ऑफ अ सेंट. इसका रियल मीनिंग हमें तब पता चलता है जब हम बच्चे को खाना खिलाना सिखाते हैं. सो हैव पेशेंस गाइस. लेट्स समराइज डूज एंड डोंट्स अबाउट फूडिंग. इट इज बेस्ट टू हैव योर लंच और डिनर और स्नैक्स विद योर किड. यू कैन एंगेज किड्स वाइल फीडिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे कि स्टोरी टेलिंग या सॉन्ग्स गा के या फिर कुछ पिक्चर्स बोर्ड बुक दिखा के. अवॉइड टीवी और मोबाइल वाइल फीडिंग एज इट डिस्ट्रैक्ट्स एंड बेबी कैन ओवर कंज्यूम फूड विच इज़ नॉट गुड. कीप एन आई ऑन लिक्विड इनटेक ऑल्सो एंड कीप देम हाइड्रेटेड. शो योर इमेजिनेशन वाइल प्रिपेरिंग अ फूड. डिस्क्राइब योर फूड. जितना इंटरेस्टिंग हम खाने को बना सकते उतना बनाइए. जैसे कि अगर सिंपल दाल चावल भी होगी तो तड़का देके हम उसे डिफरेंट टेस्ट दिला सकते हैं, या फिर रोटी बच्चा खाता नहीं होगा तो उसे जाम के अलावा अगर हमने मुरब्बा लगाया वो भी रोल करके उसे दे सकते हैं. तो शो योर इमेजिनेशन. ये सारी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल होती है, हमें जस्ट उसे यूज़ करना है. ट्राई टू इंक्लूड फ्रूट्स इन द इवनिंग स्नैक्स टाइम, क्योंकि फ्रूट डाइजेशन के लिए हेल्प करती है तो उससे डाइजेशन तो प्रॉपर होगा ही और उनका डिनर भी अच्छा जाएगा. बच्चों के फेवरेट चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए एंड उन पर एक्सपेरिमेंट किया कीजिए. जैसे कि तनिष्क को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, जैसे कि यू नो इडली उत्तप्पा वगैरह, तो हम उसमें वेरियस दाल्स या वेजीज डाल के उसे देते हैं कि बाय दैट यू नो वे वो वेजिटेबल्स या दाल खा पाए. हमें अवॉइड करना है कि जब भी बच्चा दौड़ रहा है या खेल रहा है तो हमें खाना देना नहीं है क्योंकि इससे चोकिंग हो सकती है. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने दी है, जैसे कि डाइट चार्ट फॉर इन्फांट्स बाय डॉक्टर कुलदीप, देन यमी रेसिपीज बाय तनिष दादी विच बेबीज एंड अडल्ट कैन ऑल्सो एन्जॉय, एंड ऑल्सो जो व्यूवर्स हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्रीवियस सेशन की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. अवर चैनल लव योर जिंदगी इज नॉट जस्ट अबाउट पेरेंटिंग एंड किड्स, इट इज अबाउट अस. तो बड़ों के लिए भी हम कुछ डिलीशियस स्पाइसी रेसिपीज लाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद बंडल ऑफ आवर पैकेज. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते एंड जय हिंद.